अब हम स्वान की एक सुंदर प्रैक्टिस करेंगे और यह अभ्यास अब रोज एक बार कर लेना बस, फिर सारे दिन कोई भी एक समान लेकर उसको याद करते रहेंगे। अब हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में, चले अपने को देखें आकाश से ऊपर, यहां चारों ओर सफेद प्रकाश है, ये फरिश्तों की दुनिया है, सामने खड़े हैं ब्रह्मा बाबा, दिव्य फरिश्ता, उनके अंग अंग से बहुत तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही है। उनके मस्तक में महाज्योति सर्वशक्तिमान चमक रही है, बार बार मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए, बच्चे सदा सुखी भव, विजयी भव, अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, उनके हाथ से बहुत सुखद किरणें मुझ में समाने लगी, बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा, तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है,
तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। आगे चलकर तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना है। तुम विजय रतन हो। कल कल तुमने इस माया को जीता है। तुम तो माला के ऐसे मन के हो जिन्हें स्मरण करते हुए भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तुम पवित्रता की देवी हो, पवित्रता के फरिश्ते हो। तुम इस धरा पर पूर्वज हो। तुम्हें सबकी पालना करनी है। तो इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। ये प्रकृति तुम्हारी पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे प्यासा मनुष्य पानी का। तो इस धरा पर पद्मा पदम भाग्य शाली हो। तुम इस जहान के संगार जहान के लोग विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हें ही संसार का उद्धार करना है। सबको भगवान से मिलाना है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेते हुए हम वापिस सकते हैं। अभ्यास कम से कम एक बार सबको करना है। पसंद है? क्लियर है? कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं। तो ये ना सोचे समाधान में कैसे जाए, फरिश्ता बन के जाए, आत्मा बन के जाए, ये सोचने की जरूरत नहीं। ध्यान से सुन ले इसका उत्तर। मैं आपको कहूं, आप यहाँ बैठे हैं, एक सेकंड में मधुबन में बाबा की कमरे में जाकर बैठो, बैठ जाएंगे बस, यही और कुछ नहीं। जहां हमारा मन चला जाएगा
वहीं हमारा स्वस्थ शरीर बन जाएगा। हमें ये बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि बरिश्ता कैसे बनूं, फिर कर जाऊं। कई लोग कहते हैं हम तो बरिश्ता बन नहीं पाते, इसलिए संसार में जाते हैं। बरिश्ता तो बने होंगे हैं। मैं आपको कहूं, यहाँ से सेलिंग में उठ के अपने घर में अपनी बेड पर जाकर बैठ जाओ, कितनी देर लगेगी? देखने लगेंगे ना उसको, मान ये मेरी बेड है या बुद्धि नेत्र है हमारा तीसरा नेत्र, उससे हम उस चीज को देखते हैं और मन में संकल्प करते, वहां हमारा सूक्ष्म शरीर निर्मित हो गया।